राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी फसल के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो खर्चा ना के बराबर है, बिल्कुल खर्चा ना के बराबर है और इनकम लाखों रुपये की है। मेरे किसान भाइयों, आप वो फसलें लगाया करो जिनके अंदर रिस्क ना के बराबर हो, खर्चा बिल्कुल ना हो और इनकम ज़्यादा दे। ऐसी फसलें के अंदर क्या आपका भाग्य बन जाएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिस फसल के अंदर लागत कुछ नहीं है और प्रॉफिट ज़्यादा है तो किसान आगे जरूर बढ़ेगा। तो इसीलिए वो कौन सी फसल है, गंवार फली की। ये देख लीजिए, ये एक एकड़ का खेत है और ये एक एकड़ के खेत के अंदर गंवार की फली लगाई हुई है और ये गंवार की फली लगाई है। ये हमारे मित्र हैं मुकेश शर्मा जी, बहुत अच्छे फार्मर है और इनका लगाने का जो तकनीक है बहुत अच्छी है। ये कम खर्च के अंदर, कम लागत के अंदर लाखों रुपए की इनकम कर बैठते हैं। तो मुकेश जी, सबसे पहले ये बताइए कि एक एकड़ के अंदर खर्चा कितना आता है गंवार की फली लगाने का? 8 से 10, मतलब बीज का होता है 8 से 10 हज़ार रुपये। मतलब एक एकड़ के अंदर 8 से 10 हज़ार का पूरा खर्चा आता है। इसमें बीज भी आ गया, दवाई भी आ गई, खाद भी आ गया, सब आ गया, 10 हज़ार का खर्चा। और इनकम कितनी है? इनकम होती है 4-5 लाख रुपए की। तो ये आज के भाव प्रेजेंट आज तारीख कितनी है? आज 2 मई। 2 मई है, 2 मई के आज का प्रेजेंट का 2 मई 2022, तो आज का भाव क्या है? 44 रुपए किलो। तो अगर 44 रुपए किलो का भाव रह जाता है तो एक एकड़ से किसान कितना कमा लेगा? 4-5 लाख रुपए आ रहा है। 4-5 लाख रुपए और खर्चा है 10 हज़ार। 10 हज़ार का खर्चा है मात्र। सुनिए मेरे किसान भाइयों, ऐसे प्रगतिशील ही किसान आगे बढ़ेंगे। बाकी क्या आप लोग ये समझते हो कि खर्चा करने से अटम सटम खेत के अंदर वो लगा दो ऐसे फसलें लगाने से आप लखपति बन जाओगे? नहीं बनोगे। आप ऐसे फसलें लगाओ जिसमें खर्चा भी कम हो। तो इसमें मुकेश जी, मेरे को ये बताइए, एक एकड़ के अंदर आपने, मतलब ये 10 हज़ार का खर्चा बता दिया आपने, ये बीज कब लगाए थे आपने खेत के अंदर? ये दिनांक और बताइए किसान भाई को। 24 मार्च को। 24 मार्च, अगर मान लो अगली साल को किसान भाई कोई गंवार की फली लगाना चाहे तो 24 मार्च के आसपास गंवार की फली लगाए, गंवार की फली लगा सकता है। और आज हो गए 2 मई। 2 मई होगी तो ये कितने दिन का होगी ये फसल? 1 महीना 9 दिन का। 1 महीना 9 दिन। तो ये पूरी फसल आपकी 1 महीना और 9 दिन की हो गई। तो 1 महीना 9 दिन के अंदर ये तुड़ाई कितने दिन से चालू हो गई थी? फर्स्ट तुड़ाई 28 दिन पर। 28 दिन पे, तो मतलब आपने एक तुड़ाई तोड़ी अभी? दो तोड़ ली। तो दो तुड़ाई तोड़ी है, तो मतलब दो तुड़ाई का भाव क्या गया आपका अभी? पहल की तुड़ाई का 95 रुपए किलो था। अच्छा, पहल जो फर्स्ट बार आपने गंवार की फली तोड़ी, हाँ, वो मंडी में गई 95 रुपए किलो। तो देखा मेरे किसान भाइयों, 95 रुपए किलो भी गंवार की फली गई है, ये देख लो आप। और सेकंड तोड़ 65 का 44 रुपए किलो। 65 का और 44 रुपए। और बाकी ये क्वालिटी के ऊपर भी है। हाँ, क्वालिटी मोटी होगी तो थोड़ा सस्ती जाएगी, और बारीक होगी फली तो? मोटी थी तो वो 44 रुपए किलो और बारीक थी वो 65 रुपए किलो। तो ये गंवार की जो वैरायटी है, मैंने एक बात और बता रहा हूँ आपको, गंवार की फली की एक और वैरायटी के बारे में और बता देता हूँ। कुछ गंवार की जो सीड्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, बड़े होने के बाद में गंवार की फलियाँ लगना स्टार्ट होती है। और कुछ अच्छी वैरायटी के हाइब्रिड बीज होते हैं जो छोटे से पौधे के प्रोडक्शन चालू हो जाता है। जैसे कि ये देख लीजिए, करीब 2-2.5 फुट का ये पौधा है, परंतु आप इसके देखोगे आप गंवार की फली जो लग रही है, ये कम से कम 100-150 गंवार की फली लग रही है। ये देख लीजिए आप, प्रोडक्शन के अंदर कमी नहीं है। तो आपको गंवार की फली, मतलब गंवार की फली का सीड्स ऐसा चयन करना है कि 6 इंच या 9 इंच के पौधा होता है, छोटा सा, छोटे से जो चालू हो जाती है गंवार की फली लगना स्टार्ट हो जाती है। तो गंवार की फली को आप कमज़ोर मत समझना मेरे किसान भाइयों, लागत कम है इनकम ज़्यादा है, बस मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अगर आपके घर के अंदर 5-7 मेंबर है तो आप 1 या 2 एकड़ गंवार की फली जरूर लगाएं, अच्छा इनकम ले लोगे आप और आपकी फैमिली को एक रोज़गार भी मिल जाएगा। तो गंवार की फली तो किसान को हमेशा फ़ायदा ही करती है। हाँ, फ़ायदा ही करती है, एनी टाइम कभी भी, चौमासा को छोड़ के एनी टाइम गंवार फली फायदा ही फायदा करती है। अरे फायदा कभी भी लगा दो आप, 60 रुपए किलो से कम नहीं जाती है कभी भी 60 रुपए किलो। हाँ, आपको लगाते हुए कितने दिन हो गए गंवार फली? 3 साल हो गए मेरे को लगाते हुए। 3 साल हो गए गंवार की फली लगाते हैं, गंवार की फली लगाते हैं और इससे फायदा हो रहा है? इससे ही फायदा हो रहा है मेरे को। अच्छा अच्छा, तो देखा मेरे किसान भाइयों, मुकेश जी की जो तकनीक है, ऐसे किसान बहुत है भारत के अंदर जो तकनीक से कमाते हैं, कम पैसे लगा के फार्मिंग के अंदर कमाते हैं। अरे यार,
भारत के अंदर आज के जमाने के अंदर एक एक और गणित है भारत के अंदर, कमाने वाला एक और खाने वाला सौ है। क्या किसान के घर के अंदर कमाने वाला एक होता है और खाने वाला सौ होते हैं। अगर ग्वार की फली ज़्यादा स्तर पे आप लगा, अगर आपकी फैमिली मेम्बर ज़्यादा है आपके, और वो कुछ काम धंधा कम नहीं रोज़गार नहीं है या काम धंधा नहीं करते हैं या उनके पास थोड़ा बहुत टाइम बचता है, तो आप ग्वार की फली लगा दो भैया, एकड़ दो एकड़ में ग्वार की फली लगा दो, तो वो जो बेरोज़गार है उनको तो रोज़गार मिल जाएगा और जो ठाले बैठे हैं उनको भी काम मिल जाएगा, और काम मिल जाएगा तो घर के अंदर शांति रहेगी और पैसा आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भैया ये इसमें लागत कुछ नहीं है, एक एकड़ के अंदर 10,000 का पूरा खर्चा है और इनकम 4 से 5 लाख रुपए की। और कितने महीने की फसल है पूरी टोटल? 3 महीने की। 3 महीने की पूरी फसल है, अगर अच्छी तरह चल गई तो 4 महीने ज़्यादा चल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना और गरीब किसानों के साथ शेयर करना, जिससे वो किसान भाई आगे बढ़े, अपने बच्चों को पालन पोषण कर ले इस वीडियो को देखकर, कि ग्वार की फली भी एक वरदान साबित हो सकती है किसान भाइयों के लिए, इनकम का एक जरिया है बहुत जब गजब का। गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है, स्वादी लोग इसको ज़्यादा खाते हैं, शहरी लोग भी ज़्यादा खाते हैं, ग्रामीण लोग भी ज़्यादा खाते हैं इस ग्वार की फली को। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।